फ्रेंड्स, मैं कलीम। ये गाड़ी है मारुति की 2004 मॉडल। आज मैं इसको बताऊंगा इसका जो फैन है ऑटोमेटिक कितने टेम्परेचर के बाद चालू होता है और सुई कहाँ होती है जब पंखा चलता है ऑटोमेटिक। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। इसका करते हैं पहले से इग्निशन ऑन, फिर करते हैं गाड़ी चालू। गाड़ी करते हैं हमने स्टार्ट, थोड़ा इसको गाड़ी को गर्म करते हैं। ये जो चेक लाइट है इसका ऑटो सेंटर है। ऑटो सेंसर खराब है इसलिए इसकी चेक लैंप आ रही है। इसका फैन का हमने काम किया, इसका फैन सेंसर खराब हो चुका था। जो थर्मोस्टेट स्विच होता है ना वो खराब हो गया था, इसको हमने रिप्लेस किया। चेक करते हैं पंखा चलता है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका फैन चालू हो गया है। और इसकी टेम्परेचर की जो सुई है यहाँ पे, यानी कि हाफ है, ये फुल हो गया, ये फुल है और ये बीच में सेंटर है, सेंटर से थोड़ा सा पीछे होना चाहिए। अब अपने आप ही थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, जब से गाड़ी ठंडी होगी ये बंद हो जाएगा। बंद हो गया। हमारी गाड़ी ठंडी हो चुकी है तो हमने इसका सेंसर जो बदला वो कामयाब हो गया, फैन चल पड़ा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।